नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में कंप्यूटर की चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं। और इस क्लास में हम लोग कंप्यूटर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये सभी जो क्वेश्चंस हैं आपको मेमोरी चैप्टर से लिए गए हैं। मेमोरी से संबंधित जितने बनने वाले क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस क्लास में देखने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यह कंप्यूटर की 14वीं क्लास है। इसके पहले 13 क्लासेस कंप्लीट करा दी गई हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, आप लोग क्लास को पूरा देखें और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 है। कौन सी ड्राइव प्लेटर नामक वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बनी होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन पहला दिया गया है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ऑप्शन बी है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी है स्टैटिक डिस्क ड्राइव। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। हार्ड डिस्क ड्राइव सर्कुलर वृत्ताकार डिस्क की श्रृंखला से बना होता है, जिसे प्लेटर्स कहा जाता है, जो एक स्पिंडल के चारों ओर लगभग आधे इंच की दूरी पर एक से ऊपर एक व्यवस्थित होता है। यह डिस्क एल्यूमिनियम मिश्र धातु का बना होता है और चुंबकीय मटेरियल से लेपित होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रैम के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो रैम के बारे में सही नहीं है। तो राइट आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, रैम कंप्यूटर के बंद होने पर भी डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करती है। ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा स्टोरेज माध्यम सबसे तेज और महंगा है इनमें से? हार्ड डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और कैश। तो आप लोग आंसर दीजिए यहां पर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कैश इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर डी रैम हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब बनेगा। एस रैम और डी रैम दोनों रैम के प्रकार हैं और एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को डेटा बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेश किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। यह डी रैम से तेज मेमोरी होती है। डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को डेटा बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेश करते रहने की आवश्यकता होती है और डी रैम एस रैम से धीमी होती है लेकिन ज़्यादा डाटा होल्ड करती है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मेन मुख्य मेमोरी की विशेषता इनमें से है? ऑप्शन ए है यह कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी है, ऑप्शन बी है सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा तेज है, बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर नहीं चल सकता। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी ए बी सी ऑप्शंस जो हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है एक्सप्लेन, मुख्य मेमोरी में केवल वही डेटा और निर्देश होते हैं जिन पर कंप्यूटर वर्तमान में काम कर रहा होता है और इसकी एक सीमित क्षमता होती है और बिजली बंद होने पर डेटा स्वतः ही डिलीट हो जाता है। यह आमतौर पर सेमी कंडक्टर से बनी होती है। मुख्य मेमोरी की विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर विशेषताएं दी गई हैं, यह सेमी कंडक्टर मेमोरी होती है, आमतौर पर यह वोलाटाइल मेमोरी है और यह कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी है। यह सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा तेज कार्य करती है, इसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, SSD का अर्थ यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD का पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव है, यह एक सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, जीमेल कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 15 GB। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रैम। रैम इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। तो सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क सभी ब्लॉक डिवाइस हैं। रैम एक प्राथमिक मेमोरी है
और रैम एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इसमें डाटा हमेशा के लिए स्टोर नहीं होता है। और सीडी रोम का अर्थ कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है, और इसका उपयोग सेकेंडरी स्टोरेज के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको फिल करना है, को काम करते रहने के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। लगातार विद्युत आपूर्ति बनी रहने के कारण इसके अंदर भंडारित किए जाने वाले डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। हालांकि यह एक अस्थिर मेमोरी होती है, जिसका अर्थ है कि एक बार विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर इसमें भंडारित सारा डेटा लुप्त हो जाता है। तो 59 का आप लोग आंसर दीजिए, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एस रैम इसका सही जवाब बनेगा। SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। यह DRAM की तुलना में तेज और अधिक विश्वसनीय है, इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में RAM के आकार की आम परास्त क्या होती है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 GB से 16 GB इसका राइट जवाब हो जाएगा। ऑफिस में काम करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले लैपटॉप में रैम की रेंज 4 GB से 16 GB होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आलिया के पास 2600 MB डेटा है, दिनेश के पास 4000 MB डेटा है। इन दोनों का डेटा संयुक्त रूप से भंडारण क्षमता वाले एक USB फ्लैश ड्राइव में डाला जा सकता है। तो 61 का आप लोग आंसर दीजिए, तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 10 GB इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है। तो 62 का आप लोग आंसर दीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक स्मृति मेमोरी इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1 MB कितने के बराबर होती है। तो 1 MB आपको बताना है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1024 KB के बराबर होती है। तो यहाँ पर 1 byte बराबर 8 bit के होता है, 1 KB 1024 byte के बराबर, 1 MB 1024 KB के बराबर होता है, 1 GB 1024 MB के बराबर होता है, 1 TB 1024 GB के बराबर होता है, 1 PB 1024 TB के बराबर होता है। महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1 MB में कितने KB होते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न गणना पर्यवेक्षक में पूछा गया है 2016 में। तो 64 का आप लोग आंसर दीजिए, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1024। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1 GB कितने MB बाइनरी के बराबर होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1024। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1 GB में कितना MB है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1024 MB है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1 कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है। तो 1 कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई आपको बताना है, तो यहां पर आप लोग आंसर दीजिए, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाइट। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। तो यहां पर आपको आंसर देना है, तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहां पर है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर 69 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एक कंप्यूटिंग डिवाइस है, जिस मेमोरी यूनिट में किसी भी लोकेशन पर संग्रहित डाटा को पढ़ने या डाटा स्टोर करने में एक समान समय लगता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहां पर, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है इनमें से। तो 70 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैश डेटा इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 है, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है। तो 70 का आप लोग आंसर दीजिए, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा, कैश डेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे 71 क्वेश्चन नंबर, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रहण क्षमता किसकी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 TB की इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है।
तो परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोम कहते हैं। रोम रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर में भंडारण का माध्यम है दोस्तों, जिसका प्रयोग कंप्यूटर तथा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। रोम कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है इनमें से आपको बताना है। तो 73 का यहाँ पे आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी डी रोम इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 74, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? तो राइट आंसर 74 का यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बाइनरी इसका राइट जवाब बनेगा। कंप्यूटर में डाटा बाइनरी के रूप में भंडारित होता है। बाइनरी संख्या 0 तथा 1 से मिलकर बनी होती है। बाइनरी संख्या को द्विआधारी संख्या भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है? ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, इनमें से कोई नहीं। तो 75 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? इनमें से आपको बताना, पहला है कैश मेमोरी, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक बबल मेमोरी, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक कोर मेमोरी, ऑप्शन डी है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पर आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 77, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है दोस्तों? एड्रेस लाइन पर, डाटाबेस पर, डिस्क स्पेस पर, ये सभी। तो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है दोस्तों। वर्चुअल मेमोरी प्रोसेसर द्वारा जब मुख्य मेमोरी की क्षमता कम होती है तब वर्चुअल मेमोरी जनरेट की जाती है, और वर्चुअल मेमोरी डिस्क स्पेस के आकार पर निर्भर करती है। तो दोस्तों इस क्लास में आपने टॉपिक मेमोरी से बनने वाले क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और इसी तरह आप लोग AGTE 2024 की इस चैनल के माध्यम से प्रिपरेशन करते रहिए। आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।